यार बहुत ही लेट हो गए, दीपाली तो ना जान ले लेगी। क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अबे देख, तूने दीपाली का नाम लिया और उसी का फोन आ गया। यार वैसे भी ना पहुंचने वाला, उसका फोन मत उठाइयो नहीं तो यहीं से गाली सुनाने लगेगी। फोन मत उठा उसका, चल फटाफट चलते, पहुंच ही गए हम। अरे ये तो दीपाली का भाई लफंगा भाई ध्रुव है ना। अबे मौसी के अच्छे से लगाओ, कैसे लगा रहे हो? अभी ऊपर आके बताए तुमको, अभी आए क्या ऊपर आए बताए तुम्हें। हाँ ये तो वही है। देखिए भाई कहीं हमें देख ना ले, नहीं तो अगर उसने हमें देख लिया पक्का भगाएगा, पतली गली से निकल लेते। चलो अबे कहाँ हो मौसी के? यहाँ हमारी बहन की हल्दी है और तुम हल्दी लेके गायब हो। 10 मिनट में आ जाओ वरना हम तुमको मार मार कर लाल पीला हरा नीला सब बना देंगे। हाँ जल्दी लेके आओ। और हाँ मेहमान वेहमान सब यहीं रुकेंगे तो बिस्तरा विस्तरा सब लेके आना। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ वरना हम पहुँच गए ना तो बहुत बुरा होगा। गोली की स्पीड से आ जाओ जल्दी से। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? तो वही है ना दीपाली की दोस्त, दीपाली की फ्रेंड, माय फ्रेंड। नाइस टू मीटिंग यू। नमस्ते भैया। अरे यार भैया भैया मत बोलो। अरे जल्दी चलिए, बहुत देर से इंतजार करिए तुम्हारा, इतनी लेट काय कर दिया भैया। जा ही देते हैं, आपने रास्ता काट लिया, मेरा मतलब की जा ही रहे हैं। आ जाइए चलिए। हम भी आते हैं। तुम भी आओगे क्या? हाँ आप कहे तो आ जाए। आ जाओ जगह तो है। यार ये फोन भी नहीं उठा रही। यार लकी तुम ये फ्रेंड्स को लेके आया कि नहीं स्टेशन से? कौन सी दोस्त? यार वही मेरी बचपन की दोस्त अदिति और चीनू। वो छिपकलियां जैसी दोस्त, उनको बुलाया तूने? वो छिपकलियां ना अब अजगर हो गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है अब। हाँ देख लेता कितनी खूबसूरत है, लोमड़ी ना लोमड़ी रहती है, समझी? घूसा मारूंगी तुझे। ओ लकी क्या हुआ तुझे? ओए ओए हम तो अपना होश ही गवा बैठे। आइए ना आइए आइए। वाह उन्हें देख के मुझे भूल गया। सही है आइए आइए। दो गज की दूरी बहुत जरूरी, चलो बाजू चल। आप हमारे लिए तोहफे लाई हैं? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बहन के लिए। चल बाजू खजूर। और कैसे हो तुम दोनों? बहुत अच्छी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत टाइम लगा दिया यार। क्या बताऊं तुझे अब ये कहानी। तुमको खजूर बोल दिया, बताओ तुमको भी तो नीचे लोमड़ी बोला था। तुमको कैसे पता बे? हम शक्ल देख के बता देते हैं। और तुम दोनों नहीं आते ना तो मैं तो हल्दी भी नहीं लगवाती। कितनी बड़ी झूठी है ये, हल्दी नहीं लगवाती, इतना तो सत्तर के बैठी दिया और हल्दी भी लगवाती। अंकल नहीं 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 बच्चों बच्चों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, वो पाव नहीं छूती। तुम लोग खुश रहो खुश रहो। अच्छा नमस्ते। अच्छा अंकल आंटी नहीं दिख रही, आंटी किधर है? आंटी बस बस अंकल अब आप मत रो, हम समझ गए आंटी का स्वर्गवास हो गया। दीपाली ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। नहीं बेटी उसका स्वर्गवास नहीं हुआ, वो तो ध्यान में चल गई है। समझ गए अंकल। बच्चे तुझे तो मालूम है दीपाली थोड़ी मोटी है, इसके वजन की वजह से ना इसको कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। तो तुम्हारी आंटी ने क्या करा ना, उसमें वो मन्नत होती ना मन्नत, वो मानी कि जब तक इसकी शादी नहीं हुई ना वो ध्यान में रहेगी, इसलिए वो आजकल ध्यान में है। हाँ ठीक है अंकल। यार अब आ जाओ मुझे हल्दी तो लगा दो। चलो बच्चों तुम अपना एंजॉय करो, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है ओके आ रहे हैं। यार मुझे बहुत अच्छे से हल्दी लगाना। हाँ हाँ ऐसे हल्दी लगाऊंगी ना तेरा पति भी देखता रहेगा, उससे भी ज्यादा गोरा कर दूंगी। यार उनको चाहे जितनी भी हल्दी लगा लो वो गोरे नहीं होने वाले। क्यों काले हैं क्या? हाँ वो काले हैं। है? कितने काले हैं? तेरे सर के बाल इतने काले हैं। अरे भाई ये पीली वाली बहुत पसंद है मेरे को। भाई मुझे वो पीली वाली पसंद है पर दोनों ने पीला पहना हुआ है। तेरे को कौन सी पीली वाली पसंद है? मेरे को तो बत्तख जैसी मुंह वाली पसंद है। और तुझे? अरे ये पॉंग पॉंग हेयर बैंड वाली पसंद है मेरे को तो। तुम लोग जा रहे हो यहाँ से या नहीं? हम नहीं जाएंगे। पापा 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 ओ
बेटा क्या हुआ? पापा इन दोनों काम चोरों से कुछ काम करा लो, कब से यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रहे हैं। अब मेरी हल्दी है, सारा काम मैं करूँगी क्या? मैंने इनको कब का कह रखा है, नीचे हलवाई लगा हुआ है, उसको सिलेंडर दे के आओ। इन्होंने अभी तक सिलेंडर नहीं दिया, चलो सिलेंडर दे के आओ उसको। तो पापा सुबह से ना मेहमान का सामान ऊपर नीचे करने की वजह से ना कमर बहुत दुख रही है। करवाली बेइज्जती। करवाली ना बेइज्जती तुमने, अभी रुको। अरे पापा हम उठाएंगे, हम ये तो केवल जिम में स्नैप स्नैप खींचने जाता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, हम उठाएंगे, रुको रुको। तूने भी करारी बेइज्जती। अरे बेटा ये क्या कर दिया? अरे पापा वो थोड़ा पेट खराब है हमारा, इन निकम्मों के बस का कुछ नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत होगी हल्दी वल्दी, चलना अम्मू पति की फोटो दिखा, जीजू की फोटो दिखा। मैं नहीं दिखा रही, मुझे बहुत शर्म आती है। देखिए कैसे इतरा रही है, हमारी भी शादी होगी ना, हम भी अपने पतियों की फोटो नहीं दिखाएंगे इसे। एक ये का निकल गई, कहाँ भाग गई है? चल देखते हैं। चल। झूमता मीनारा यहाँ क्या कर रही है? यार तुम दोनों को जीजू की फोटो देखनी थी ना। हाँ। वो देखो उनका घर। ये कौन है लालटेन? ये तुम्हारे जीजू है। इतने कलवे पे फिर कहाँ भाग गई? ए, मेंटल वेंटल हो गई क्या? इधर से उधर भगाया जा रही है, भगाया जा रही है। यार मुझे तो उनको देख के बहुत शर्म आ रही है। अरे यार हम इतनी दूर से आए, थक गए, कम से कम चाय नाश्ता तो पूछ ले। चाय नाश्ता भी करोगे क्या? अपने घर से खा के नहीं आए हो तुम दोनों? मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, अभी मंगाती हूँ पापा से। पापा 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 पापा, हाँ पापा, इनको कुछ चाय नाश्ता तो कराओ। यार तुझसे ना बहुत सारी बातें करनी है। कर कर इसी के लिए तो आए हो। दीपाली हम अभी आते हैं, ठीक है? चल। अरे अरे अंकल अंकल, क्या हुआ क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? बच्चों मेरी बेटी की शादी आपको तो पता है, बाप अपने घर चले जाएगी, तो मेरा मन खराब हो रहा था, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। अरे अरे अंकल ऐसे रो मत, दिल मत दुखाओ, अगर दीपाली को पता चला तो वो भी बहुत रोएगी। मत रो अंकल, एक ना एक दिन तो लड़की को जाना ही होता है, कोई नहीं रोक सकता, तो भगवान का ही करिश्मा है जो लड़कियों को भेज देते हैं। आप चिंता मत करो, आने वाले समय में आपका मन भी लग जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ अंकल, और दीपाली तो वैसे भी आती जाती रहेगी, आप टेंशन मत तो, दुखी मत तो इतने। बेटा आपको तो मालूम है, भगवान ने मुझे दो निकम्मे बेटे और एक बड़ी समझदार बेटी दी थी, एक बेटी और दे देता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। ये तो है अंकल, बस 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 आप मत रो अंकल। कोई नहीं अंकल, सब ठीक हो जाएगा। बड़े? हाँ छोटे। देख रहे हो, ऐसे ही हम भी रोएंगे और हमें भी जप्पी मिलेगी। बच्चों घर में शादी का माहौल था ना, तो मेरा मन खराब हो गया थोड़ा सा। बच्चों तुम आप टेंशन ना लो, आप एंजॉय करो, मैं जा हलवाई को मिल के आता। ओके ठीक है अंकल, ठीक है। अरे तुम दोनों कहाँ गए थे? कहीं नहीं। अरे क्यों?
क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? अरे देखो, एक ही तो बहन है हमारी, अब वो भी शादी करके चली जाएगी तो हमारा कैसे मन लगेगा। हाँ, हमारी प्यारी मोटी सी बहन जा रही है, कौन हमसे लड़ेगा और कौन हमारा खाना छीन के खाएगा। मत रो, दीपाली अभी है ही है ना, तो उसके साथ वक्त बिताओ, खुश रहो। अभी रो मत, रोने से क्या होगा। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं। आओ, हमें भी जप्पी पालो जैसे पापा को करी थी। क्या? ये रो, पीछो। अरे कर लो। अरे, तू। अरे, ये नहीं सुधरेंगे। पीछे हो। तुम्हारी? थप्पड़ क्यों मारा? क्या कर रहे हो ये तुम दोनों? अरे इसको क्या दिक्कत है? अरे तू दान आपने शादी करके, अरे इसकी कोई शादी करवाओ। अरे तू बैठ जाएगी ना, इसका कमरे पर कब्जा कर लूंगा। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा, इस मोटी से लड़ भी नहीं सकते, अगर लड़ लिया ना तुम्हारा भरता हुआ ना देगी। अब तू जाते क्यों नहीं? तूने क्यों नाश कर रखा हमारा, क्यों धरती बोझ बन रही है? मुझे नहीं पता तुम दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हो। ये क्या किया है तुम लोगों ने? हमने क्या किया? अरे दीदी बस कर, क्यों रो रही है दीपाली, बस कर यार। तुम लोगों ने देखा ना, मेरे भाई मुझसे कितनी नफरत करते हैं, कितना भला बुरा कहा उन्होंने मेरे बारे में। तू मेरे भाई को नहीं जानती, तेरे भाई तो तब इतनी इज्जत दे रहा है। मेरा भाई तो मुझे कहता है मुझे कूड़े में से उठाया, मुझे गटर में से उठाया, ऐसा कोई होता है? तेरा भाई तो फिर भी तुझसे प्यार करता है यार। अरे कोई बात नहीं ना, वो दोनों देर से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन दिल पे मत ले। अच्छा ये बता, इनको मार गोली, तूने शादी के लिए अपने पति के लिए और बाकियों के लिए डांस तैयार किया नहीं किया? मैं दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ आओ। तेरे लई टाइम कड के करदा मैं प्रोमिस, मिलन आऊंगा। मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी, ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा। थैंक यू। सबके आगे ये डांस करेगी? हाँ, कैसा लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने भी मेरी शादी के लिए डांस प्रिपेयर किया था? हाँ किया है। रुक, यार हमने डांस प्रिपेयर तो किया है, लेकिन हमें ना उसके लिए कपल्स चाहिए। हाँ यार, पार्टनर चाहिए। अब पार्टनर कहाँ से लाएं? हमें ना। तुम लोग यहाँ फिर आ गए? हाँ दीपाली बहन, माफ कर देना हमको, हम तेरे से प्यार बहुत करते हैं। यार बहन माफ कर देना, हमने जो भी कहा गुस्से में कहा, माफ कर दे प्लीज। दीपाली माफ करना, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे तुम लोग हो तो मेरे भाई ना, चलो तुम्हें माफ किया। हम एक काम करते हैं, साथ में मिलकर डांस प्रिपेयर करते हैं। हाँ ये सही है। अरे बच्चों ये क्या चल रहा है? अरे अंकल हम ना डांस की तैयारी कर रहे हैं, हम सारे ना इसकी शादी और संगीत में डांस करेंगे। ओ बेटा, मैंने भी तो अपनी बेटी की शादी में डांस करना है, मुझे भी सिखा दो ना। ठीक है। अरे यार अभी शादी में, संगीत में और मेहंदी में बहुत टाइम है, अभी हल्दी चल रहा है तो हल्दी में तो डांस कर लो। ये बात भी है, नाचो। कैसे हो आप सब? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बेगम मत बोलना। अभी तो हल्दी लगी है, मेहंदी भी रह रही है, संगीत भी रह रहा है और फिर शादी, तो हम सारे रीति रिवाज से दीपाली की शादी करके विदा करेंगे। तो टिके रहना, देखना कि आगे क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फैला दो, आग लगा दो। मिलते हैं जल्दी प्यार भी लवली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।